बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्ची बावली हैदराबाद के फासलाती तालीम के तहत तालीम हासिल करने वाले तमाम तलबा और तालबात का हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़े दक्कन पर इस्तकबाल है। अभी तलबा और तालबात, छात्र एवं छात्राएं एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 जुलाई 2022 से इम्तिहानात शुरू हो गए हैं, इम्तिहानात की इब्तिदा हो गई है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ लर्निंग सपोर्ट सेंटर पर इम्तिहानात सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट हुए और शाम 5 बजे ख़त्म हुए। बहुत सारे तलबा और तालबात को हॉल टिकट से रिलेटेड बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आ रही थी। इसके हवाले से बहुत सारे तलबा और तालबात परेशान थे। इसके लिए नई गाइडलाइन तमाम कोऑर्डिनेटर्स को भेजी गई। मैं चाहता हूं कि उस गाइडलाइन से आप तमाम के तमाम वाकिफ हों, क्योंकि अभी भी बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो हॉल टिकट के लिए परेशान हैं। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स वगैरह आ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें कैसे हल होंगी, उसके लिए क्या गाइडलाइन है, मैं चाहूँगा कि उसे आप देखें ताकि उस हवाले से आप अपने आप को तैयार करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्तिहानात दें, क्योंकि काफ़ी वक्फे के बाद इम्तिहानात हो रहे हैं। मेरी तमाम तलबा और तालबात से गुजारिश है कि आप इम्तिहानात से जुड़ें। चलते हैं सीधे हम उस गाइडलाइन की तरफ जो कि तमाम कोऑर्डिनेटर्स को भेजी गई हैं। अजीज तलबा तालबात, ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन टू डाउनलोड हॉल टिकट फॉर 2018-19 and 2020 बैच। आपको जो डाउनलोड करना है हॉल टिकट, वो 18, 19 और 20 बैच के तमाम तलबा और तालबात को डाउनलोड करने हैं। 2017 या इसके पहले के जो तलबा और तालबात हैं जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया था अपने लर्निंग सपोर्ट सेंटर पे, उस सेंटर पर उनके हॉल टिकट भेजे जा चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक हासिल नहीं किए वो उस सेंटर लर्निंग सपोर्ट सेंटर से हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 18, 19 और 20 बैच के हैं, उन्हें हर हाल में हॉल टिकट को खुद डाउनलोड करना होगा। हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीक़ाकार क्या है? Login username is enrolled number. In case you forgot the login password, please contact regional center or LSC. Username जो है आपका, वो आपका enrollment number है। और बहुत सारे तलबा और तालबात ऐसे हैं जिन्हें enrollment number नहीं मालूम है या जिन्हें password नहीं मालूम है। ऐसे ही तलबा और तालबात परेशान हो रहे हैं, तो कहा गया है कि आप रीजनल सेंटर जो है आपका, उस वहां से कांटेक्ट करें। कुछ लोगों का लखनऊ रीजनल सेंटर हो सकता है, कुछ का दिल्ली हो सकता है, कुछ का जम्मू हो सकता है, कुछ का झारखंड रांची हो सकता है, पटना हो सकता है। तो ऐसे तमाम तलबा और तालबात कांटेक्ट करें अपने रीजनल सेंटर से। यहाँ पर आर लर्निंग सपोर्ट सेंटर दिया हुआ है। लर्निंग सपोर्ट सेंटर से आपको इनरोलमेंट नंबर मिल सकता है, लेकिन पासवर्ड की इत्तलात लर्निंग सपोर्ट सेंटर के पास नहीं होती है, तो बेहतर ये होगा कि आप रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करें। दूसरा हिस्सा जो दिख रहा है, हॉल टिकट कैन ओनली बी डाउनलोडेड ऑनलाइन थ्रू IUMS स्टूडेंट पोर्टल। यहाँ पर जो है दिया हुआ है aptmanu.coe.in/UMS/student/login। आप मानु IUMS भी अगर आप गूगल पर जा करके टाइप करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जा करके रजिस्ट्रेशन का नंबर जो है, यानी इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड आपको डालना होगा। इट विल नॉट बी प्रोवाइडेड एट एग्जाम सेंटर /LSC। हॉल टिकट आपको एग्ज़ाम सेंटर यानी LSC पर नहीं फ्राहम होगा, क्लियर गाइडलाइन है। तो ऐसे तलबा और तालबात जो लर्निंग सपोर्ट सेंटर या एग्ज़ाम सेंटर से कांटेक्ट कर रहे हैं हॉल टिकट के सिलसिले में, तो वो लोग बगौर याद रखें कि हॉल टिकट 18, 19 और 20
है जो बैच है, ईयर के जो बैच है उनको लर्निंग सपोर्ट सेंटर या एग्जाम सेंटर से कोई हॉल टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें डाउनलोड ही करना है। इस तरह से आगे अगर हम देखें तो दिया हुआ है, हॉल टिकट विल ओनली बी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट हुज फीस इज क्लियर। ऐसे लोगों को ही हॉल टिकट फराहम किया जाएगा जिसकी फीस क्लियर है। इन केस ऑफ एनी फी रिलेटेड डिस्प्यूट्स प्लीज शेयर पेमेंट रिसिप्ट टू DDE एग्जाम्स एट द रेट मानू डॉट ईडू डॉट इन। आपने फीस पे की है लेकिन चूंकि उसकी इत्तलात यूनिवर्सिटी के पास नहीं है तो आप मेल करें आप DDE एग्जाम एट द रेट मानू डॉट ईडू डॉट इन पर और क्लियर करें उन्हें कि नहीं, हमारी फीस जो है पे है, कोई भी फीस पेंडिंग नहीं है, तो आपको हॉल टिकट प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे लोग जिनका पोर्टल पर नहीं दिखा रहा है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इस ईमेल आईडी पर आप मेल करें ताकि आपका मसला हल हो सके। बाय डिफॉल्ट ऑल स्टूडेंट एग्जाम सेंटर्स इज देयर LSC, एनी रिक्वेस्ट टू चेंज देयर सेंटर विल नॉट बी इंटरटेन। तलबा तलबात ऐसे हैं कि उनको लगता है कि नहीं ये सेंटर पे हमें एग्जाम लिख लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं बाकायदा क्लियर जो है कहा गया है कि यह एंटरटेन के लिए कोई भी सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। जिस सेंटर पर उनका एग्जाम का जो सेंटर है उसी सेंटर पर आपको जाकर के एग्जाम लिखना होगा। ऑल स्टूडेंट आर रिक्वेस्ट टू अपियर द एग्जामिनेशन एज पर टाइम टेबल नोटिफाइड, प्लीज रिफर यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर डिटेल टाइम टेबल। यहाँ पर यह है यूनिवर्सिटी के जो टाइम टेबल का लिंक है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, आप यहाँ से जा करके आप टाइम टेबल को देख सकते हैं और यह है टाइम टेबल को अच्छी तरह से देखें क्योंकि बहुत 18 सफ़ात का 18 पेजेस का ये टाइम टेबल है। इसमें ईयर वाइज भी है और सेमेस्टर वाइज भी है, तो आपको चाहिए कि जिससे ताल्लुक है आपका ईयर वाइज से है तो ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज से है तो सेमेस्टर वाइज, और जो है कुछ ओल्ड बच्चे हैं उसमें भी 2018 बैच, 2019 बैच, 2017 या इससे पहले के बैच, इस तरह का टाइटल दिया हुआ है। तो आपका ताल्लुक जिस टाइटल से है, जिस टाइम टेबल में जो चीज़ मेंशन है उसको बगौर देखें ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फॉर एनी क्वेरीज डाउट्स वाइल डाउनलोडिंग हॉल टिकट प्लीज कॉन्टेक्ट फॉलोइंग। अगर किसी तरह की और भी दिक्कतें आ रही हैं, कोई इंक्वायरी आपको है, कोई डाउट्स आपको है हॉल टिकट से मुतालिक है, तो आप DDE एग्जाम एट मानू डॉट ईडू डॉट इन पर आप मेल कर सकते हैं। और जो यूनिवर्सिटी के जो फ़ोन नंबर दिए हुए हैं जिसमें कई नंबर्स हैं और उसमें टाइम दिया हुआ है कि इसी टाइम से इसी टाइम के बीच में आपको कॉल करना है, तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इसी टाइम में इन फ़ोन नंबरात पर आप मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि ये जो तमाम गाइडलाइन थी जो कि तमाम कोऑर्डिनेटर्स को भेजी गई है तलबा को फराहम करने के लिए, तलबा को बताने के लिए, ये आप तक पहुँचाई जा चुकी है इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दखन के जानिब से। मैं समझता हूँ कि अब आप तमाम के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आप तमाम के तमाम जो है इसको फॉलो करें क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं, उसी के तरीके पर हमें अमल करना होता है। अजीज तलबा व तालबात, तो आपने देखा कि हमने जो चीज़ें आज फराहम की गई वो मैं तमाम तलबा व तालबात को पहुंचा रहा हूँ। ये जो यूनिवर्सिटी की तरफ से फराहम की गई इसमें कई मेल आईडी हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं इसे डिस्क्रिप्शन मैं डाल दूंगा PDF को, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लें ताकि आपको फ़ोन नंबरात हासिल हो सकें, आपको ईमेल आईडी हासिल हो सके ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यूनिवर्सिटी में टाइम टेबल का जो लिंक है वो आपको मिल सके। इतला में याद कर दूं कि यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के हवाले से, टाइम टेबल के हवाले से मैंने इसी चैनल पर यूट्यूब की शक्ल में पेश किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके भी डिस्क्रिप्शन में टाइम टेबल PDF की शक्ल में अटैच है,
आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल आप यूनिवर्सिटी की साइट से चेक करें, हमारे इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से चेक करें, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपको अख्तियार है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी की ही उस टाइम टेबल को मैंने यहाँ पर डाला है। बहरहाल हमारा काम था इन तमाम नई चीज़ों से आपको वाकिफ कराना, ताकि आपके एग्ज़ाम ना छूटे, आपको किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो। आप तमाम तलबा और तालबात, छात्र एवं छात्राओं और स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से, हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दखन की तरफ से पेश की मुबारकबाद है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे नंबर स्कोर करेंगे और आप अपने मुस्तकबिल को रोशन करेंगे, आप अपने वालदैन का नाम और इस यूनिवर्सिटी का नाम भी आगे ले जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे रुख्सत होता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी इससे जुड़ सकें और उनके भी मसले हल हो सके। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।